Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक, दैट इज रूल नंबर 86. रूल नंबर 86 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये होता क्या है, अगर इसके रिस्पेक्टिव सेक्शन की हम बात करें तो सेक्शन नंबर 49 है. उसमें कुछ 2 से 3 सब सेक्शंस हैं जो यहाँ पर ई क्रेडिट लेजर से रिलेटेड है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की ज़रूरत क्या पड़ती है, आखिरकार उसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती है, क्या वो एक टिपिकल लेजर है जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज की जाती है, तो अगर की जाती है तो वो कौन सी होती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और साथ ही में हम देखेंगे ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जब क्रेडिट लेजर में हिट होता है तो वो अमाउंट कैसे आता है और फिर उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 86. सो दोस्तों, हमने कुछ पहले वीडियोस में देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर की बात की गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते क्या है, ये हमने देखा था डेफिनेशन में. ये ऐसे टिपिकल लेजर्स हैं जो क्रिएट किए जाते हैं फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो उसके कॉमन पोर्टल पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको डैशबोर्ड पे दिखते हैं. ये तीनों ही लेजर्स उस रजिस्टर्ड पर्सन की एक समरी हमको बताते हैं कि इसने अभी तक कितना पैसा हमको दिया है यानी कि गवर्नमेंट को, कितनी इसकी टैक्स लायबिलिटी थी. बाकी सभी डिटेल्स को ये तीनों लेजर्स अगर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स को क्रिएट किया गया है. पहला है लायबिलिटी, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है कैश. हम देखने वाले हैं क्रेडिट लेजर इस वीडियो के अंदर, जो बात करेगा रूल 86 के साथ में. आइए देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, लेट्स सी. सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आखिरकार इस लेजर की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसका यूसेज क्या है, इसमें क्या क्या एंट्रीज की जाएगी, ये हम दोनों पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें और इसमें. जहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ ई क्रेडिट लेजर, तो वहाँ पर हम देखेंगे एंट्रीज क्या आती हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है. सो दोनों W's हम यहाँ पर एंड कर देंगे, वाई एंड वॉट. इसके बाद में हम देखेंगे रूल नंबर 86 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये रूल 86 में बहुत सारे डिफरेंट क्लॉजेस हैं, तो उन क्लॉजेस को 6 के 6 क्लॉजेस को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि हर क्लॉज का क्या मतलब है, वहाँ पर क्या हाईलाइट पॉइंट दिया गया है. यहाँ पर बताए गए हैं कौन से फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं जब आपको कोई भी क्रेडिट लेना होता है या फिर मिलता नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है, व्हाटएवर, उन फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे थ्रू रूल नंबर 86. इसके बाद में यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये कवर तो किया गया है रूल नंबर 86 में, बट ये पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है. यानी क्रेडिट लेजर इसका नाम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्रेडिट की बात चल रही है और क्रेडिट मीन्स ITC. तो जो आपका इनपुट टैक्स है और उसका जो क्रेडिट है, ये होते क्या है पहले हमें ये समझना होगा. सो इनपुट टैक्स की हमें डेफिनेशन देखनी होगी और ITC हमको समझना होगा. फिर जो ITC आपके पास में रखा हुआ है उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो वो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन हमको समझना होगा और ये देखेंगे हम विद अ स्टोरी. इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को सबसे लास्ट में कवर करेंगे, अलग ही टॉपिक है. पहले हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे क्रेडिट लेजर होता क्या है, ज़रूरत क्या है और पूरे रूल नंबर 86 में क्या क्या लिखा हुआ है. लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 86 विथ व्हाई एंड व्हाट इज क्रेडिट लेजर. सो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले है, व्हाई इस क्रेडिट लेजर की ज़रूरत क्या है. अब देखिए, हम यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है और लॉजिकल भी. एक टैक्सेबल पर्सन है, वो करता है बिजनेस. जब वो बिजनेस करता है तो वो सप्लाई करता है और ऐसी सप्लाई जो टैक्सेबल है, मतलब कि जिसके ऊपर GST चार्ज किया जाना चाहिए. अब वो टैक्सेबल सप्लाई करता है और वो GST उस पर कलेक्ट करता है. ये जो GST उसने कलेक्ट किया है, ये उसको गवर्नमेंट को देना ही देना है. ये है पूरी चेन. बिजनेस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को देना है. नाउ, अब जो उसने कलेक्ट किया है वो क्या है,
वो उसकी है लाइबिलिटी। वाई? क्योंकि उसको ये गवर्नमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सप्लाई उसने करी है, इस सप्लाई के लिए उसने इनपुट यूज करे हैं, ये जो इनपुट उसने यूज करे हैं उस पर उसने भी टैक्स पे किया है। ये टैक्स मैं नेगेटिव में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसने पे किया है। तो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के पास में पहुंच चुका है थ्रू अदर सप्लायर्स, अदर सप्लायर्स क्यों बोला मैंने, यहां पर तो वो खुद सप्लायर है, बट जब उसने दूसरे से इनपुट खरीदे तो उसका सप्लायर तो दूसरा था, तो उसने जो मुझसे टैक्स कलेक्ट किया होगा वो उसने गवर्नमेंट को दे दिया होगा। सो जो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है थ्रू अदर सप्लायर, वो ये पर्सन वापस नहीं देगा, क्योंकि गया तो इसकी जेब से ही है। कोई भी अपनी जेब से कुछ भी नहीं दे रहा है, सप्लायर हमेशा रेसिपिएंट से कलेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई टैक्स का शिकार ऑलरेडी बन चुका है इनपुट के थ्रू, तो क्या वो वापस उतना गवर्नमेंट को देगा? नहीं देगा। सो जो उसने कलेक्ट किया है वो उसकी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को देना है। बट जो वो ऑलरेडी दे चुका है वो है उसका क्रेडिट, और वो किसके ऊपर है? वो है इनपुट के ऊपर। तो जो बचता है नेट पेमेंट वो पर्सन वहां पर गवर्नमेंट को देता है। सो ये पूरी कहानी है जिसमें हमको इन सब की अकाउंटिंग करनी होगी। अकाउंटिंग में हमारे पास में मेन मेन पैरामीटर्स क्या क्या है? हमारे पास पैरामीटर्स होंगे दैट इसका आउटवर्ड लायबिलिटी कितना है इस पर्सन का, कितना इनपुट टैक्स इसके पास में रखा हुआ है क्रेडिट जो वो यूज कर सकता है, कितना पेमेंट इस पर्सन ने किया है। सो जब मैं क्रेडिट लेजर के अंदर आऊंगा, क्रेडिट लेजर का मतलब ही है कि ये ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का ख्याल रख रहा है। सो अगर ये मेरा क्रेडिट लेजर है तो मुझे उसके अंदर जो एंट्रीज करनी होगी दोज विल बी रिलेटेड टू माय इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट मैं कंपेयर करूंगा मेरा लाइबिलिटी वाला फिगर। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना क्रेडिट है उतना मुझे देना है, तो मेरी लायबिलिटी जीरो हो गई। बट ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका हिसाब रखने के लिए हमें इस क्रेडिट लेजर की ज़रूरत है। वेदर माय लायबिलिटी कैन बी इजीली सेट ऑफ विद माय अवेलेबल क्रेडिट, अगर यस तो ओके, अगर नो तो फिर आपकी लायबिलिटी स्टैंड करती है तो वो कितनी है, तो वो लेजर से हमको पता चलेगा। इस तरीके से इस क्रेडिट लेजर की ज़रूरत है हमें ये देखने के लिए आउटवर्ड लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों कहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों का कंपैरिजन कितना है, और अभी मुझे या तो रिफंड लेना है या फिर और पेमेंट करना है, ये मुझे इस लेजर से पता चलता है। इसीलिए वाई क्रेडिट लेजर, ये हमने उसका जवाब दिया है। अब व्हाट इज क्रेडिट लेजर, यानी कि इसके अंदर एंट्रीज कौन कौन सी जाती है, कैसे जाती है, डेबिट कब हिट होता है, क्रेडिट कब हिट होता है, आइए देखते हैं। अब दोस्तों आप इसको देखिए, इस तरीके से इमेजिन करिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट वाला है क्या। सो एक बात तो हमको समझ में आ गई है, क्रेडिट मतलब ये है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेरे पास में रखा हुआ है। मींस सबसे पहले ये मेरा डेबिट है और ये मेरा क्रेडिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट लेजर है। यहाँ पर सभी लेजर्स को आप इस तरीके समझिए कि ये बैंक अकाउंट है हमारा, एक तरीके से जो बैंक ने हमको दिया है। तो जैसे हम उसको रीड करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसको भी रीड करेंगे। ना मेरे पास में यहाँ पर क्रेडिट एंट्रीज कौन सी होगी, जो क्रेडिट मेरे पास में अवेलेबल है वो मेरे क्रेडिट में चले जाएगा। मतलब कि चाहे मैं बात करूँ SGST, CGST, IGST, UTGST, इन सभी का जो जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया है वो सब मेरा यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। मींस जितना भी मैंने इनपुट खरीदा उन पे मैंने जितना टैक्स दिया है, जो मेरा ITC है वो हर एंट्री एवरी क्लेम ऑफ माय इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी entered in my credit ledger on credit side। तो यहाँ पर मेरा पूरा ITC दिखेगा available जो मेरे पास में है। Now against this ITC, इस ITC को मैं जब जब use करूँगा for what?
फॉर माई लाइबिलिटीज। तो मेरी जो लाइबिलिटी है जो क्रेडिट लेजर में नहीं दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, वो मेरे लाइबिलिटी लेजर में दिखेगी। सो लाइबिलिटी लेजर में जितनी मेरी लाइबिलिटी दिख रही है उसका मैं यूज कैसे करूंगा, उसको कम करूंगा बाय यूजिंग माय दिस अमाउंट। सो इसको मैं ऐसा एरो बनाता हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि ये अमाउंट यहां पर यूटिलाइज होगा। मतलब मेरे यहां पर डेबिट एंट्री कब होगी इस लेजर के अंदर, व्हेन सेटलिंग माय लायबिलिटीज। मतलब मेरा SGST का लायबिलिटी, CGST का लायबिलिटी, IGST का लायबिलिटी एंड UTGST का लायबिलिटी, इन सब की जो मेरी टैक्स की लायबिलिटी है उसको मैं कम करूँगा, सेटल करूँगा बाय यूजिंग दिस अमाउंट। बट द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज, सर कैसे यूटिलाइज करें, यहाँ पर SGST है, क्या वो सबके लिए यूज किया जा सकता है, ये CGST क्या सबके लिए यूज किया जा सकता है? नो, ये यूटिलाइजेशन के लिए एक मैनर बनाया गया है या फिर जिसे हम कहे एक ऑर्डर बनाया गया है, उस ऑर्डर में ही आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो है हमारा ITC का मैनर यूटिलाइजेशन इस वीडियो में सबसे लास्ट में जो हम देखने वाले हैं। मतलब इस क्रेडिट लेजर में हर एक क्रेडिट एंट्री होगी मेरे ITC की क्लेम की, हर एक डेबिट एंट्री होगी जब जब मैं इस अमाउंट को यूज करूंगा, यूटिलाइज करूंगा फॉर सेटलिंग माय लायबिलिटीज। नाउ ये दोनों हमेशा सेम होंगे नहीं, हो सकता अलग ही रहेंगे। मतलब कि यहां पर रिफंड का केस ही बन सकता है और साथ ही में यहां पर क्या हो सकता है, रिफंड कब होगा, जब मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी जो है, ये मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी है, लेट से मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी जब मैंने सामान बेचा तो उस पर मैंने 6% का टैक्स पे किया है, बट उसके लिए जो मैंने इनपुट खरीदे थे वो मैंने खरीदे थे 18% के। सो ऑब्वियसली ये अमाउंट ज्यादा हुआ और ये वाला अमाउंट कम हुआ, तो यहां पर जो बैलेंस आ जाएगा वो मेरा रिफंड होगा। मतलब ओनली केस जहां पर रिफंड आएगा इस लेजर के अंदर वो है कि जब मेरा आउटपुट का रेट कम है एंड कंपेयर टू माय इनपुट का रेट, इस तरीके से यहां पर रिफंड आ सकता है। अगर यहां पर रिफंड आता है तो आपको बिल्कुल वो रिफंड मिलेगा और रिफंड की एंट्री इस अकाउंट में डेबिट में जाएगी। इसी चीज को मैंने आपको यहां पर समझाया है, इसी लेजर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं फिगर्स के साथ में, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो इसी लेजर को अगर हम कंटिन्यू करें, थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करें, तो ये है हमारा डेबिट, ये है हमारा क्रेडिट, ये है हमारा क्रेडिट लेजर फुल। यहां पर आएंगे मेरे सारे ITC के क्लेम्स, SCI और यू, SGST, CGST, IGST, UTGST, सिमिलरली SCI एंड यू, इन सब के फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये मेरे लाइबिलिटीज हैं जिनको मैं कहता हूँ आउटवर्ड लाइबिलिटी, ये मेरे सारे इनपुट क्रेडिट है जो मेरे पास में रखा हुआ है। कौन कैसे यूटिलाइज करेंगे अभी आप उसके मैनर में मत घुसिए, हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। 10,000 रुपये का ITC मेरे पास में रखा हुआ है, बट मेरा जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है जो मुझे देना है वो सिर्फ 6,000 रुपीज़ का है। सो बचे हुए 4,000 का क्या होगा, मुझे रिफंड मिल जाएगा। रिफंड क्यों मिला, क्योंकि जो मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी पर टैक्स मैंने दिया है वो मैंने लोअर परसेंटेज पे दिया है, बट उसके लिए जो मैंने इनपुट खरीदा था वो उस पर मैंने टैक्स ज़्यादा परसेंटेज पे दिया है, इसलिए ये गैप आ गया। तो फर्स्ट सिनेरियो वेयर रिफंड इन क्रेडिट लेजर कैन बी शोन इज व्हेन योर आउटवर्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स इज लेस देन द इनवर्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ रिफंड। सेकेंड केस ऑफ रिफंड है एक्सपोर्ट। कैसे, एक्सपोर्ट के लिए जो आप इनपुट खरीदते हैं उस पर आपको ITC मिलता है, यस, आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करी उसके लिए आपने इनपुट खरीदा 10,000 रुपये का, आपने टैक्स दिया उसके ऊपर, तो वो यहां पर दिख जाएगा। बट एक्सपोर्ट पे
0% का रेट जाएगा आउटवर्ड पे, सो ये पूरा 10,000 का आपको रिफंड मिलेगा। इस तरीके से तीन एंट्रीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। आईटीसी की सारी एंट्रीज क्रेडिट होती जाएगी इस लेजर के अंदर, यूटिलाइजेशन फॉर लाइबिलिटीज डेबिट होते जाएगा, और रिफंड यहाँ पर लास्ट में डेबिट होगा एट लास्ट, जब बैलेंस का डिफरेंस को मैच करने की हम कोशिश करेंगे। दो केसेस ऑफ रिफंड है इस क्रेडिट लेजर के अंदर। ये सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। वाई क्रेडिट लेजर देखने के बाद में व्हाट इज क्रेडिट लेजर। अब जो मैंने एंट्रीज आपको यहाँ पर समझाई है वही रूल नंबर 86 के अंदर सभी क्लॉजेस के अंदर 1-1 करके समझाया है। चलिए उनको हम पूरा ओवरव्यू स्टाइल में क्लॉज नंबर 86 को देखते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है रूल नंबर 86 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड सभी क्लॉजेज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। क्लॉज नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, डिस्क्रिप्शन उसका मैंने वन लाइन स्टेटमेंट स्टाइल में एकदम सिनॉप्सिस स्टाइल में लिखा है, बट साथ में हम यहाँ पर सेक्शन 49 को भी रीड करते जाएंगे। सेक्शन 49 में भी टोटल 9 सब सेक्शंस हैं, उनमें जो रिलेटेड सब सेक्शन टू क्रेडिट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। मींस बात तो यही है बट वहाँ पर कौन सा सब सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर लिखते जाऊँगा। सबसे पहला, अभी जो हमने लेजर को समझा है एंट्रीज को, वही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इन फॉर्म GST PMT 02 एवरी क्लेम ऑफ ITC क्रेडिट में जाएगा। इनका कहना है एक भी आपका क्लेम है, एवरी क्लेम वो ITC का, इनपुट टैक्स का, वो आप इस लेजर के अंदर क्रेडिट में एंट्री करिए उसकी, और उसका फॉर्म रहेगा PMT 02 जो आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। यही बात जो क्लॉज वन में है यहाँ पर की गई है, वो 49 के अंदर सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर बताई गई है। सिंपल सी बात है, सारा ITC क्रेडिट में डाल दीजिए। ओके, उस ITC को हम यूज करेंगे डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज, सेकेंड क्लॉज यही है। डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ आउटपुट टैक्स वो डेबिट में हिट होते जाएगा, तो उससे आपका ITC कम होते जाएगा, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये यहाँ पर सेकेंड में है। यही बात यहाँ पर 49 के अंदर सबसेक्शन 4 में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज अमाउंट ऑफ ITC डेबिट। रिफंड मैंने आपको कहा था डेबिट होगा, क्योंकि जो ITC का अमाउंट बचा हुआ है उसका क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, तो रिफंड का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। यही बात सबसेक्शन नंबर 6 के अंदर 49 सेक्शन में दी गई है। सो 2, 4 एंड 6 इस तरीके से ये कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के साथ में। और किस तरीके से आप यूज करेंगे, मतलब मैनर टू यूटिलाइज ITC, वो आपको सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर दी गई है अंडर सेक्शन 49। सो इस तरीके से 2, 4, 5, 6 कनेक्टेड है इससे। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया है। पहला बोल रहा है क्रेडिट करिए आप जितना ITC आपके पास में है, यूज करेंगे डेबिट करिए, रिफंड हुआ तो डेबिट हो जाएगा। नाउ रिफंड कैंसिल भी तो हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। सो व्हेन रिफंड इज रिजेक्टेड, और वो कब होगा, कैसे होगा, फॉर्म नंबर 03 में प्रॉपर ऑफिसर आपको भेजेगा कि आपका रिफंड हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो जो अमाउंट आपने डेबिट किया था रिफंड का उसको वापस से रीक्रेडिट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका रिफंड रिजेक्ट हो चुका है। ये है क्लॉज नंबर 4। फिफ्थ बोल रहा है, थोड़ा अलग क्लॉज है, कि इस लेजर के अंदर कोई भी डायरेक्ट एंट्रीज नहीं हो सकती। सही बोल रहे हैं, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी से आ रही है, आपकी लाइबिलिटी चेक हो रही है लाइबिलिटी लेजर के साथ में, और आपका ITC जो है वो डायरेक्ट एंट्री करने के लिए क्यों मना कर रहा है। ऑलरेडी आपका इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, मींस आप कहीं से भी रिलेट ना होती हुई एंट्री यहाँ पर नहीं डाल सकते, लॉजिकल बात है। बाकी डिटेल इसमें हम आगे देखेंगे जब तीनों लेजर्स को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। और लास्ट क्लॉज ये बोल रहा है, ऑन नोटिसिंग एनी डिस्क्रिपेंसी, मुझे पता चल गया मेरी बुक्स में, लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक लेजर में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर ऑफिसर को PMT 04 के अंदर एक मैं फॉर्म भर के दूंगा कि मुझे डिस्क्रिपेंसी दिखी है, इसको सही कर लेते हैं। सो ये है क्लॉज नंबर 6। मतलब 6 इन 6 के 6 क्लॉजेज में हमने यहाँ पर देखा है क्रेडिट लेजर के अंदर कैसी कैसी एंट्रीज होती हैं। 49 सेक्शन का 2, 4, 5, 6 इससे कनेक्टेड है रिस्पेक्टिव क्लॉजेस से।
ITC है तो क्रेडिट करो, यूज़ कर रहे हो तो डेबिट करते जाओ, रिफंड बचा तो डेबिट हो जाएगा, रिफंड रिजेक्ट हुआ तो 03 में, और आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो 04 में। तो फॉर्म्स जो यहाँ पर है वो है 02, 03 एंड 04। इस तरीके से चार PMT के फॉर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं और रूल 86 भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब हमें देखना है ITC क्या है, इनपुट टैक्स क्या है और मैनर क्या है उसको यूटिलाइज करने का। लेट्स सी। सो अब हम देखने वाले हैं इनपुट टैक्स का मतलब है क्या, ITC है क्या। कंसेप्शुअली तो हमने समझ लिया है, थोड़ा हम इसको बेसिक से पकड़ते हैं और इसको समझते हैं, फिर हम फटाफट देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट एकदम टॉपिक है इस सेक्शन 49 के अंदर, दैट इज़ क्रेडिट लेजर के अंदर जो आप ITC बता रहे हैं उस ITC को यूज़ कैसे करना है, मतलब क्रेडिट से डेबिट की तरफ आना कैसे है, वो हम देखेंगे मैनर में। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स और ITC है क्या। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ एक मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट आगे की ओर बढ़ते बढ़ते कस्टमर के पास में पहुँचता है। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को बेचता है, सब अपना अपना इसमें प्रॉफिट ऐड करते जाते हैं, लेट से 10-10 रुपये का। जब प्रॉफिट ऐड होते जाता है तो उसका अमाउंट बढ़ते जाता है, फाइनली कस्टमर तक पहुँचता है और यहाँ पर पूरा GST कस्टमर की जेब से लगाया जाता है और गवर्नमेंट को मिलता है, ऐसा कहा जाता है। बट सब लोग GST चार्ज कर रहे हैं हर लेवल पर, तो क्या ये GST पे GST नहीं लग रहा है? तो यही बात है, इसे कहा जाता है वैल्यू एडिट सिस्टम। सिर्फ जो वैल्यू एडिशन हुआ है, मतलब 10 रुपये का जो प्रॉफिट ऐड होते जा रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर का जो टैक्स है वो पर्सन अपनी जेब से दे रहा है, बाकी सब तो पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन होते होते जो अमाउंट हुआ वो पूरा कस्टमर पे करता है। कैसे? बेसिक वैल्यू होती है कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की, उस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है और सेलिंग प्राइस आता है। नाउ आउटवर्ड टैक्स जिसे हम बोलते हैं, पूरा हमने आउटपुट टैक्स जो दिया है वो हमारा सेलिंग प्राइस पे होता है, बट जो हमारा इनपुट टैक्स होता है वो हमारा कॉस्ट पे होता है। बचा क्या? प्रॉफिट। मतलब कि नेट लाइबिलिटी विल बी ऑन द वैल्यू एडिशन ओनली, प्रॉफिट के ऊपर। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा है जिसका कॉस्ट है 100 रुपये, 20 रुपये मैंने जोड़ा है और 120 पर मैंने बेचा है, मैंने टैक्स कलेक्ट किया है 120 के ऊपर और मैंने इनपुट के नाम पर दिया भी है 100 रुपये के ऊपर, मतलब इन शॉर्ट मेरे जेब से गया 100 पे टैक्स और मेरे जेब में आया 120 पर टैक्स, तो नेट तो मेरे पास 20 का टैक्स ही बचा ना, उसे ही कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो ये चेन चलती जाती है, सिर्फ जो वैल्यू एडिशन होता है उसी का टैक्स हर आदमी चार्ज करते जाता है, जो उसको लगा कॉस्ट तो उसका ऑलरेडी वो दे चुका होता है और उसको उसका क्रेडिट मिलते जाता है, इसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इसी चीज को चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर एक मैन्युफैक्चरर है कार्स का, तो कार बनने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको मेटल का ज़रूरत पड़ेगा, टायर्स का ज़रूरत पड़ेगा, उसको कांच का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का इनपुट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए वो गुड्स खरीदेगा यानी कि रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, पूरा असेंबली लाइन क्रिएट करेगा कार को असेंबल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं। सर्विसेज लेगा, इंजीनियर्स बुलाएगा बाहर से, आर्किटेक्ट लोग बुलाएगा, डिज़ाइनिंग के लिए बुलाएगा, तो मतलब कि गुड्स और सर्विसेज उसने यूज़ करी है, इनपुट लिया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कार। नाउ जो वो सर्विसेज लेता है, जो वो गुड्स लेता है, कैपिटल गुड्स खरीदता है एज इनपुट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग हिज कार, उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। लेट्स से उसने गुड्स पे किया 10,000 रुपये, कैपिटल गुड्स पे उसने 5,000 रुपये का टैक्स दिया और सर्विसेज पर उसने 3,000 रुपये का टैक्स दिया। इस तरह कुल मिला के उसने 18,000 का टैक्स दिया इन सब चीज़ों पे, विच इज हिज इनपुट टैक्स। जब कार बन गई तो उसने कार बेची, एक कार 1,00,000 रुपये के लिए, उस पर 28% टैक्स लगा, तो 28,000 रुपीज उसने कलेक्ट करे जो अब उसको गवर्नमेंट को देने हैं, ये अमाउंट उसे गवर्नमेंट को देना है। तो उसने गवर्नमेंट को बोला 28,000 नहीं दूंगा सर मैं आपको, क्यों? क्योंकि इस 28,000 के बनने के लिए जो 18,000 का टैक्स है वो तो आप मुझसे पहले ले चुके हो, ये 18,000 माइनस करके मैं सिर्फ आपको 10,000 रुपये का ही टैक्स दूंगा। तो ये जो 18,000 है ये है मेरा इनपुट टैक्स,
और जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये मेरा बन गया ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिससे मैंने मेरी GST लाइबिलिटी कम करी है। ये देखा हमने मोटा मोटा, मतलब कि GST लाइबिलिटी और GST का क्रेडिट, बट इनके अंदर डिवाइडेशन है। CGST है, SGST है, IGST है। CGST SGST स्टेट के सेल पे लगता है, इंटर स्टेट जैसे हो गया IGST लग जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ों पे कलेक्ट किए जाते हैं। हो सकता है इनके इनपुट उन्होंने दूसरे स्टेट से खरीदे हो तो इन्होंने IGST पे किया होगा, कार उन्होंने लोकल में बेच दी तो उनकी GST लायबिलिटी तो CG की है और SG की है, और इनपुट रखा हुआ IG का, तो सर कैसे यूज़ करेंगे? इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आएगा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में, जो हमें समझना है। अभी हमने समझा है इनपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट टैक्स के साथ में ITC क्या होता है। चलिए, ये तो कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा है, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन कैसी है हम उसको देखते हैं। सो इनपुट टैक्स मीन्स, इसमें क्या आएगा, टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मीन्स जो आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना पड़ रहा है वो आपका इनपुट टैक्स है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सर सप्लायर है, सामने रिसिपिएंट है, इसने इसको गुड्स बेचे हैं, टैक्स कौन देगा फॉरवर्ड चार्ज में? रिसिपिएंट। और रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा? रिवर्स चार्ज में टैक्स रिसिपिएंट ही देता है। तो सर दोनों में अलग क्या हुआ? फॉरवर्ड चार्ज में भी रिसिपिएंट पैसा दे रहा है, रिवर्स चार्ज में भी रिसिपिएंट पैसा दे रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये फॉरवर्ड चार्ज के अंदर रिसिपिएंट पैसा दे रहा है सप्लायर को, सप्लायर दे रहा है गवर्नमेंट को, तो लायबिलिटी किसकी हुई? सप्लायर की। बट रिवर्स चार्ज के अंदर ये वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, मतलब रिसिपिएंट टैक्स पे तो कर रहा है पर सप्लायर को नहीं दे रहा है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहा है। सो लायबिलिटी किसकी हुई? रिसिपिएंट की। सो जो भी टैक्स आपने फॉरवर्ड चार्ज में पे किया है सप्लायर को, वो आपका इनपुट है। इसमें आप इंक्लूड करो, अगर आपने कुछ रिवर्स चार्ज में भी टैक्स दिया है ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तक तो पहुंचा है ना एनीवे, यहां पर इनडायरेक्टली पहुंचा है फॉरवर्ड चार्ज में, और रिवर्स चार्ज में डायरेक्टली पहुंचा है, तो वो रिवर्स चार्ज का टैक्स भी आपका इंक्लूड होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है, बाहर से कुछ मंगवाया आपने, तो आपने उस पर IGST पे किया है, तो वो भी आपका इनपुट टैक्स है। घबराइए मत, उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब इंक्लूड नहीं होगा, वो है कंपोजिशन टैक्स। मींस कंपोजिशन स्कीम जो है सेक्शन 10 के अंदर, एक कोई कंपोजिशन सप्लायर है जिसने 1% में या 5% में टैक्स पे किया है, वो बोलेगा इस टैक्स का मेरे को इनपुट दो, तो उसको बोलेंगे आप यहाँ से जा सकते हैं। एक तो ऑलरेडी आप इतना कम टैक्स दे रहे हैं और आप इसको इनपुट टैक्स मानना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर को ना तो ITC मिलता है ना वो ITC पास ऑन कर सकता है, ये हमको बचपन से पता है। सो यहाँ पर इनपुट टैक्स में फॉरवर्ड चार्ज में दिया वो भी आएगा, रिवर्स चार्ज में दिया वो भी आएगा, इंपोर्ट करके IGST जो दिया वो भी आएगा। ये था हमारा इनपुट टैक्स और ITC होता क्या है। अब हम देखते हैं फटाफट कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं, CGST भी है, SGST भी और IGST भी है। चलिए एक अच्छी सी शॉर्ट स्टोरी देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। लेट्स सी। चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हम समझने वाले हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ITC हमारे पास में रखा हुआ है, लायबिलिटी इसके अगेंस्ट हमारे पास में है, तो हम कैसे इस ITC को यूटिलाइज करेंगे जिससे हमारी लायबिलिटी कम होगी। इसके लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे, सन की, मदर की और उसकी वाइफ की। बहुत ही लॉजिकल बात है, कोई लड़का है, उसकी माँ है और उसकी वाइफ है, तीनों काम पे जाते हैं, तीनों सैलरी कमाते हैं और सबके पास में अपना अपना पैसा आता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आदमी कमाता किसके लिए? खुद के लिए। तो सबसे पहले वो खर्च किसके ऊपर करेगा? खुद के ऊपर करेगा। मतलब सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है, सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब कि सबसे पहले जो सैलरी आएगी आदमी खुद के ऊपर खर्च करेगा। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, इसको आप इन्जॉय मत करिए, ये हम यूज़ करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग आर सेक्शन। नाउ इसके बाद में खुद के ऊपर खर्च करने के बाद में जो भी पैसा बचता है, मतलब एक्सेस सैलरी जो है या फिर सेविंग्स है, वो आदमी फैमिली के ऊपर खर्च करता है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब उसकी मॉम के ऊपर करेगा या फिर उसकी वाइफ के ऊपर करेगा। अभी हमने फैमिली में सिर्फ इन्हीं दो लोगों को रखा है,
सो मदर एंड वाइफ, अब मदर ज़्यादा क्लोज होती है एक सन से और फिर वाइफ होती है, कुछ केसेस में अलग भी हो सकता है, इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पर मदर को इम्पोर्टेंस पहले मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी और फिर वाइफ को मिलेगी। प्रायोरिटी फॉर द सन इज फर्स्ट मदर एंड सेकेंड वाइफ, ये तीनों पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अब देखिए स्टोरी बहुत यही है, सिंपल सी। अब यहाँ पर हम सन को, मदर को और वाइफ को प्लॉट करते हैं किसके अगेंस्ट, IGST जो है वो है सन, CGST जो है वो है मदर और SGST वो है वाइफ। अब देखिए कौन किसके लिए काम करेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सेल्फ लव इज आल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब IGST का ITC रखा हुआ है तो पहले IGST खुद की लाइबिलिटी कम करेगा वो, CGST पहले खुद की लाइबिलिटी कम करेगा और SGST भी खुद की लाइबिलिटी कम करेगा, सब अपनी सैलरी खुद के ऊपर खर्च करेंगे। अब जो एक्सेस बची है उसका लफड़ा आता है, बेटा आया कमा के, उसके पास पैसा बचा, सबसे पहले वो किसको देगा, मदर को, मदर कौन है, CGST, फिर किसको देगा, वाइफ को, वाइफ कौन है, SGST। मतलब IGST का एक्सेस विल बी यूज्ड फर्स्ट अगेंस्ट CGST देन SGST। तो ये तो बात हो गई एक्सेस ऑफ IGST। अब अगर CGST मतलब मदर की सैलरी में से कुछ एक्स्ट्रा बचा है तो मदर किसके लिए करेगी सबसे पहले, अब माँ के नज़दीक कौन है, बेटा है, वाइफ तो है नहीं, हो सकती है पर ज़्यादा नज़दीक कौन है, बेटा है। सो CGST का एक्सेस जो होगा वो पहले यूज़ किया जाएगा IGST के लिए, नहीं पहले यूज़ किया जाएगा खुद के लिए फिर यूज़ किया जाएगा IGST के लिए। माँ कभी भी वाइफ को पैसे देगी बचे हुए, नहीं देगी, मतलब दिस इज़ नॉट अलाउड। एंड सेम वे वाइफ की जो एक्सेस सैलरी है वो भी पहले यूज़ होगी सन के लिए, मतलब कि वो अपने पति को देगी पहले जो बचा हुआ है। तो SGST का एक्सेस यूज़ हो सकता है IGST के क्रेडिट को कम करने के लिए, बट वाइफ कभी मदर को नहीं देगी, मतलब SGST विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट CGST। ये जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताया है उसको बहुत सिंपल हमने कर दिया है, सब पहले अपने ऊपर खर्च करेंगे, बेटा अपना एक्सेस पहले माँ को देगा फिर वाइफ को देगा, माँ यानी कि मदर अपना जो एक्सेस है वो सन को देगी, वाइफ को कभी भी नहीं देगी, वाइफ अपनी एक्सेस सैलरी मदर को कभी भी नहीं देगी, अपने हस्बैंड को देगी। यही चीज़ें हैं, इसको टेबुलर फॉर्मेट में मैंने डाला है, आइए देखते हैं। देखिए मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC हम देख रहे हैं, IGST सन है, CGST मदर है और SGST या फिर UTGST एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक होगा, उनको हम यहाँ पर वाइफ लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में जैसा कि हमने लिया है। नाउ ये आपको दिख रहे हैं मैंने कुछ एरोज बनाए हैं, यहाँ पर तो स्माइली फेस है और यहाँ पर मैंने प्रोहिबिटेड वाला साइन बनाया है। इसका मतलब क्या है, स्माइली फेस है मीन IGST की लाइबिलिटी और CGST और SGST का क्रेडिट आपस में सेट ऑफ हो सकता है, दिस इज अलाउड, बट CGST और SGST आपस में एक दूसरे की लाइबिलिटी कम कभी भी नहीं कर सकते, मतलब माँ और बहू दोनों एक दूसरे को पैसे नहीं देंगे पर ये दोनों अपने पैसे बेटे को ज़रूर देगी, इसीलिए हमारी स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है। सो IGST पहले किसको देगा, खुद के लिए खर्च करेगा, फिर वो देगा अपनी माँ को और फिर देगा वो अपनी वाइफ को। सो इस तरीके से IGST का क्रेडिट यूज़ किया जाएगा, सब लोग सबसे पहले अपने अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे, CGST, SGST, IGST, बचा हुआ देगा माँ को, बचा हुआ देगा अपनी वाइफ को, माँ अपनी बची हुई सैलरी किसको देगी, बेटे को देगी। क्या कभी भी वो SGST को देगी, नो नेवर। उस तरीके से वाइफ सबसे पहले खुद के लिए यूज़ करेगी और बचा हुआ देगी अपने हस्बैंड को यानी कि सन जो यहाँ पर है, और क्या कभी भी वो अपने मदर को देगी, नहीं। मतलब ये क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन SGST एंड CGST इज़ नॉट अलाउड, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन IGST एंड दीज बोथ टू आर अलाउड। ये हमने इस पूरी स्टोरी के थ्रू हमने इसको समझा है, यहाँ पे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC हमने देख लिया है।
अब ये जो चीज़ हमने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन समझा है आईटीसी का, उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ में हम देखते हैं तो टॉपिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये सब सेक्शन 49 के अंदर ही चल रहा है, ध्यान रखिए सब सेक्शन 2, 4, 5, 6 ये सब बात कर रहे हैं क्रेडिट लेजर के बारे में। रूल नंबर 86 में ये सब कवर्ड है। रूल नंबर 86 के सभी क्लॉजेस हमने देख लिए हैं। ये हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन को थोड़ा अच्छे समझने के लिए देख रहे हैं। सो अगर हम एग्जांपल देते हैं इंट्रा स्टेट का देखते हैं, बहुत सिंपल रहेगा। तीन सेलर्स हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी, S1 S1 S1, यानी कि सभी एक ही स्टेट के अंदर है, लेट्स से महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र, तो सभी ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं। ए ने कुछ सामान बेचा बी को, बी ने आगे उसे फर्दर सेल किया सी को, लेट्स से 10,000 का सामान था जो ए ने बेचा बी को, उसके ऊपर लगा होगा CGST और SGST दोनों, 900 रुपये का SGST और CGST लग गया। इस तरीके से 11,800 का टोटल अमाउंट लगा और बी तक ये माल पहुंच गया 11,800 में। बी ने सेम अमाउंट पर 20% के वैल्यू एडिशन किया, मतलब उसने यही सामान 12,000 में आगे बेचा और उसके ऊपर उसने फिर SGST और CGST लगाया, जो लगेगा उसने लगाया वापस CGST और SGST 1080 1080। तो टोटल ये अमाउंट 14,160 में पहुंचा सी के पास में। नाउ इन दिस होल सिनेरियो हु इज दैट वन पर्सन जिसने परचेज भी किया है और सेल भी किया है? डेफिनेटली इट्स बी, मतलब बी ने इनपुट खरीदा और फिर उसने बेचा भी, तो इनपुट पे उसने टैक्स पे किया, जो उसने किया कितना 900 प्लस 900। आउटपुट पर उसने टैक्स कलेक्ट किया, जो उसने किया 1080 और 1080। अब इस तरीके से हम देखते हैं गवर्नमेंट तक कितना पैसा पहुंचेगा और फाइनली बी कितना गवर्नमेंट को पैसा देगा। तो हम बात करेंगे बी की सेल्फ लायबिलिटी की और गवर्नमेंट तक कितना पैसा पहुंचा फाइनली उसकी। अगर हम सेल्फ लायबिलिटी की बात करें तो CGST और SGST को दोनों को हम अलग अलग देखेंगे, हमेशा सभी टैक्सेस को अलग अलग हम देखेंगे क्योंकि सबका यूटिलाइजेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। सो 1080 और 1080 उसने कलेक्ट किया, जब उसने ट्रांजेक्शन किया आगे सी को बेचा, तो उसने जो कलेक्ट किया है वो उसकी लायबिलिटी है, तो ये हो गया उसका आउटवर्ड लायबिलिटी। जब उसने इनपुट लिया तो इनपुट पर उसने 900 रुपये दिए थे, तो उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा। सो फाइनली 180 और 180 रुपीस किसके पास पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे गवर्नमेंट के पास में। नाउ जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास में पैसा आया कैसे, तो सबसे पहले जब सेल हुआ ए ने बी को किया, तो ए सप्लायर था और बी रिसिपिएंट था, तो ए ने गवर्नमेंट को दिए 900 रुपये और 900 रुपये CGST और SGST, क्योंकि सेल की थी ए ने, वो सप्लायर था, तो गवर्नमेंट तक पहुंच गया 900 रुपये। जब बी ने सी को सेल किया तो बी सप्लायर है, तो बी ने गवर्नमेंट को पे किया कितना 180 और 180। अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास में 1080 और 1080 ही पहुंचा है, जो हमारा फाइनल लेवल पर चार्ज किया गया था। अब यहाँ इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ सिंपल था, क्यों? क्योंकि वी वर यूजिंग CGST का लायबिलिटी और CGST का इनपुट, SGST की लायबिलिटी एंड SGST की इनपुट, क्योंकि इंट्रा स्टेट का सेल था। अगर यहाँ पर इंट्रा के जगह इंटर हो जाए, यानी कि हमने गुड्स तो परचेस करे सेम स्टेट से बट उसको बेच दिया डिफरेंट स्टेट के अंदर, तो जो हमने आउटवर्ड लायबिलिटी क्रिएट करी वो IGST की है, इनपुट रखा हुआ CG और SG का है, तब हम कैसे यूज़ करेंगे? वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब ये हम अगला एग्जांपल लेंगे इंटर स्टेट का, जहां पर हमको सही तरीके समझ में आएगा कि यूटिलाइजेशन आखिरकार होता कैसे है। अब यहां पर टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, एक्स ए बी एंड सी। अब यहां पर सब S1 नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो S1 S1 S2 S2, मतलब एक्स और ए दोनों हैं महाराष्ट्र के और ये दोनों हैं गुजरात के।
बी और सी। तो एक्स एस वन में है, ए एस वन में है, दोनों महाराष्ट्र में है। एक्स ने ए को माल बेचा, सेम एग्जांपल लेते हैं हम, 10,000 का था, 900 का सीजीएसटी, 900 का एसजीएसटी, टोटल 11,800 का माल उसने बेचा, एस एंड सी, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। इसने फिर से 20% ऐड किया, जैसे कि हमने देखा था। तो इसने यही सेम गुड्स 12,000 में बेचे किसको, बी को। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर सी जी और एस जी नहीं आएगा, स्टेट चेंज हो चुका है, एस वन से एस टू जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आई जी एस टी। तो आई जी एस टी लेट से उसने लगाया 18% का, जितना भी उसका अमाउंट बनता है वो होगा 18% के हिसाब से 2160, तो 14,160 का टोटल यहाँ पर ए ने बेचा बी को वही गुड्स। बी ने अगेन उस पर 20% ऐड किया और फिर उसने आगे सी को बेचा, बट अब बी ने भी यही गुड्स 20% ऐड करके आगे बेचे सी को, पर सेम स्टेट में बेचे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है 14,400 पे, लगा सीजीएसटी एसजीएसटी और वही गुड्स 16,992 में पहुंचा सी के पास में। नाउ ए एक ऐसा पर्सन है जिसने इनपुट लिया और फिर आउटपुट भी दिया, बी भी एक ऐसा पर्सन है जिसने इनपुट लिया और आउटपुट भी लिया। मतलब इन दोनों ही केसेस में, ए में और बी में, हमको लायबिलिटी का सेटलमेंट करना पड़ेगा। इसने जो आउटपुट दिया है वो अपना क्रेडिट यूज करेगा, ये भी अपने आउटपुट पर क्रेडिट यूज करेगा, बट कैसे करेगा, इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? ए का जो आउटपुट है वो है आईजीएसटी, उसने बी को बेचा है, आईजीएसटी उसने लिया है 2160 का, बट इसका जो क्रेडिट रखा हुआ है वो रखा हुआ है 900 प्लस 900 का, जो है एसजी और सीजी। इसी तरीके से जब हम बी की बात करते हैं, तो बी ने इनपुट में सामान जब उसने खरीदा तो उसने आईजीएसटी दिया है, बट इसका आउटपुट कौन सा है, इसका आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी का है, 1296 और 1296। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब आपस में यूज कैसे किया जाता है। हम हमारी स्टोरी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आइए देखते हैं इनका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, वो हम देखेंगे, उसके साथ में हमारा ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, बी को भी पैसा देना है गवर्नमेंट को, ए को भी पैसा देना है गवर्नमेंट को। पहले हम देखते हैं ए, तो ए ने जब सामान खरीदा तो उसने इनपुट दिया, फिर उसने आगे बेचा, बेचा तो उसने कलेक्ट क्या किया, आईजीएसटी कलेक्ट किया, क्योंकि इसने बेचा है बी को और बी बेटा है स्टेट टू में गुजरात में, ये भाई साहब है महाराष्ट्र में, इन्होंने आईजीएसटी कलेक्ट किया 2160 का। अब ये लायबिलिटी इनको कम करनी है इनके क्रेडिट को यूज करके। क्रेडिट इनके पास में क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इन्होंने 900 रुपए सेम स्टेट से माल खरीदा तो उसमें दिए थे। क्या आईजीएसटी को कम करने के लिए मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज कर सकता हूँ? क्या बेटा जो उसकी एक्सेस सैलरी है वो यूज कर सकता है किसके लिए, मदर के लिए और वाइफ के लिए? यस, बिल्कुल कर सकता है, बट प्रायोरिटी मिलेगी। पहले जो यूज किया जाएगा वो है मदर के लिए और फिर यूज किया जाएगा अपनी वाइफ के लिए। इन शॉर्ट 2160 माइनस 1800 हो जाएगा और जो भी मेरा अमाउंट बचता है वो मैं नेट पेबल है टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए, और कितना होगा, 2160 माइनस 1800 विच इज 360 नेट पेबल हो गया, ए देगा गवर्नमेंट को। नाउ बी पे हम आते हैं, बी ने सेल किया है सी को, सेम स्टेट के अंदर किया है, S2 में है दोनों, दोनों गुजरात के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसने कलेक्ट तो किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इसने कलेक्ट किया है 1260, बट यहाँ पर जब इसने इनपुट खरीदा है वो तो उसने खरीदा है ए से उसने खरीदा है, मतलब कि उसने दूसरे स्टेट से सामान खरीदा है, तो उसने पे तो आईजीएसटी किया था 2160। अब क्रेडिट में रखा हुआ है आईजीएसटी, लायबिलिटी है सीजीएसटी की और एसजीएसटी की। अब ये सबसे पहले कहाँ पर यूज होगा,
सन जाएगा मदर को पास में, मतलब कि 2160 सबसे पहले यूज होगा 1260 ऑफ सीजीएसटी, तो ये तो मेरी लायबिलिटी निल हो गई ऑफ सीजीएसटी। रिमेनिंग बचा कितना, 2160 में से 1260 बचा, वो रिमाइंडर मेरा यूज होगा एसजीएसटी के लिए, विच इज 864। सो ये जाने के बाद में मेरा नेट लायबिलिटी आ जाएगा 432 रुपीस का। इस तरीके से यहां पर 432 जा रहा है गवर्नमेंट के पास में, यहां पर जा रहा है 360 गवर्नमेंट के पास में। अब ये हमने देखा है यूटिलाइजेशन आपस में कैसे होता है, मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में। बट यहां पर अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट के बीच में भी सेटलमेंट होगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम आईजीएसटी का लायबिलिटी कम कर रहे हैं सीजी और एसजी से, इसका मतलब ये है कि उस गवर्नमेंट को जिसको आईजीएसटी पूरा मिल रहा था उसको अब सिर्फ 432 रुपये मिल रहे हैं, जिसको 2160 मिल सकता था, और जिस सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा 900 और 900 मिल रहा था उसने आईजीएसटी का लायबिलिटी कम कर दिया। मतलब यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल के बीच में कुछ सेटलमेंट तो होना चाहिए, आइए देखते हैं वो कैसे होगा। तो चलिए उस सेटलमेंट के लिए हम एक रेवेन्यू अर्न्ड बाय गवर्नमेंट का सेटलमेंट टेबल बनाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आईजीएसटी के केस में कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला, स्टेट वन और स्टेट टू, स्टेट वन है महाराष्ट्र और स्टेट टू है गुजरात। आपको माइंड में ये फंडा हमेशा याद रखना है कि रेवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास में जाएगा जिस गवर्नमेंट में फाइनली प्रोडक्ट कंज्यूम किया गया है, वो आपको ध्यान रखना होगा। पहले ट्रांजेक्शन, दूसरा और तीसरा, हम पहले तीनों ट्रांजेक्शन्स को लिख लेते हैं, फिर हम सेटलमेंट करेंगे और फिर हम टोटल देखेंगे। पहला ट्रांजेक्शन हुआ जब एक्स ने ए को प्रोडक्ट बेचा, तो वहाँ पर सेम स्टेट होने की वजह से सबसे पहले 900 रुपये गए महाराष्ट्र के पास में और 900 रुपये गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सीजीएसटी। तो ये हुआ पहला ट्रांजेक्शन। आगे फिर ए ने वही गुड्स बेचे बी को, सो ये जब ट्रांजेक्शन हुआ तो वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, बी था गुजरात में ए था महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर डायरेक्टली पूरा आईजीएसटी हुआ, तो यहाँ पर स्टेट तो इन्वॉल्व हुए ही नहीं, यहाँ पर जो भी काम हुआ वो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरा 2160 का अमाउंट। बट अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो क्या गवर्नमेंट को पूरा 2160 का अमाउंट मिला है, नहीं, यहाँ पर 2160 नहीं मिला, बल्कि नेट ऑफ करने के बाद में ओनली 360 रुपीज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गया है, बिकॉज पूरा आईजीएसटी सेट ऑफ हो गया था सीजी और एसजी के साथ में। तो ये हमने पहले दो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर लिखे। तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ जब बी ने सी को कुछ गुड्स बेचे आगे, तो सेम स्टेट था, सेम स्टेट होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ एसजीएसटी और सीजीएसटी पूरा अमाउंट आया है। तो यहाँ पर पहले में तो एसजी सीजी आया, दूसरे में आईजीएसटी पूरा आया, सो यहाँ जो तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ है बी टू सी के बीच में, यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हुआ है, दोनों के दोनों गुजरात में बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे सो ज़्यादा की लायबिलिटी आ रही थी, बट सेट ऑफ करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट बी ने गवर्नमेंट को दिया है वो सिर्फ 432 रुपीज़ दिया था, और वो भी एसजीएसटी की लायबिलिटी बनी थी, यानी कि स्टेट टू के पास में गए थे 432 रुपीज़, बाकी किसी के पास में कुछ भी नहीं मिला। ये तीनों ट्रांजेक्शन्स हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको कहा रेवेन्यू किसके पास में जाएगा, जहाँ पर फाइनल कंजम्पशन यहाँ पर हो रहा है उसके पास में रेवेन्यू जाना चाहिए। मींस यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें सो टोटल एट लास्ट 1296 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पैसा जाएगा ही जाएगा, और लास्ट में पूरा प्रोडक्ट कहाँ पर कंज्यूम हुआ है, स्टेट टू में कंज्यूम हुआ है, मतलब गुजरात में, तो वहाँ पर उस गवर्नमेंट के पास में हाफ पहुँचना चाहिए, दैट इज़ 1296। स्टेट वन के पास में तो कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, निल, स्टेट वन में कुछ भी नहीं हुआ है, तो स्टेट वन में 900 रुपीज़ उसको मिले हैं, तो उसको ये देना पड़ेगा, स्टेट वन को महाराष्ट्र को 900 को छोड़ना पड़ेगा और उसे देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये होगा हमारा पहले नंबर का सेटलमेंट।
क्यों? क्योंकि स्टेट वन में बिल्कुल कोई भी कंजम्पशन हुआ ही नहीं है। सो इस वाले सिनेरियो में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा यहाँ पर सेट ऑफ करेगी 900 रुपीज़ के साथ में। अब जो लास्ट सेटलमेंट यहाँ पर होना है वो क्या है, पूरा प्रोडक्ट स्टेट टू में गया है, मतलब कि स्टेट टू में फुल प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है, तो फुल जितना भी पैसा है वो गुजरात की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, मतलब 1296 पूरा मिलना चाहिए था। मिला कितना है, 432 रुपीज़ मात्र, मतलब कि जो बचा हुआ है 864 रुपीज़ वो इसको मिलना चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, जिसके पास में एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये तो ख़त्म हो गया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट 864 रुपीज़ ये ट्रांसफ़र करेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इस तरीके से टोटल गया 1296 एंड 1296, जहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ है वहाँ पर ही गया है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बिटवीन गवर्नमेंट्स, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सब इंटरनल होता है, हमें उससे लेना देना नहीं है, बट ये सेक्शन 49 में है इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल में कवर किया है। अब अगर इस पूरे वीडियो की हम बात करें, सो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा है मैं आपको समरी में बताता हूँ, देखिए। सो हम बात करने वाले थे रूल नंबर 86 के बारे में, जो हमने बराबर किया है रूल 86 प्लस सेक्शन 49, ये दोनों हमने साइमल्टेनियसली चलाए हैं, दोनों ही क्रेडिट लेजर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ये क्रेडिट लेजर होता क्या है, तो व्हाट इज़ क्रेडिट लेजर हमने ये डिस्कस किया, और यहाँ पर हमने देखा पूरा लेजर बना के क्या एंट्रीज डेबिट में आएगी, क्या एंट्रीज क्रेडिट में आएगी। साथ ही में हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई क्रेडिट लेजर, वो भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हमने रूल नंबर 86 के सभी डिफरेंट 6 क्लॉजेस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, और 6 के 6 क्लॉजेस में क्या क्या आया है। यहाँ पर PMT फॉर्म नंबर 02, 03 और 04 का कैसे यूज़ करना है वो हमने यहाँ पर रूल नंबर 86 में देखा है, प्लस ये 86 यही बोल रहा है कौन सी एंट्रीज कहाँ पर होगी वो हमने देखा। इसके बाद में हम सेकेंड फेज़ में एंटर हो गए थे, इनपुट टैक्स क्या होता है, ITC क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमने समझी। फिर हमने देखा इनको यूटिलाइज़ करने का मैनर क्या है, उसके लिए हमने स्टोरी देखी है मदर सन एंड वाइफ की। वो देखने के बाद में हमने इंटर और इंट्रा स्टेट दोनों के एक एक एग्जांपल्स लिए हैं और उनसे हमने समझा है कि कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। देन एट लास्ट हमने देखा गवर्नमेंट के बीच में सेटलमेंट कैसे होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, वो भी हमने समझ लिया है। इस तरीके से रूल नंबर 86 हमारा यहाँ पर ही फिनिश ऑफ होता है, क्रेडिट लेजर हमने यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कैश लेजर क्या होता है और साथ में हम देखेंगे लायबिलिटी लेजर भी क्या होता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।